चुनावी मौसम है। दिन पर दिन राजनीतिक गलियारों में समीकरण बदल रहे हैं, नई चर्चाएं जन्म ले रही हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसी चर्चाओं को आप तक पहुंचाया जाए जो सियासी जमीन के समीकरण बदल रहे हैं। बुधवार को कुरुक्षेत्र की जमीन पर एक ऐसी राजनीतिक घटना घटी जिससे कई समीकरण बदलते दिखे। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कुरुक्षेत्र आना था। मौसम खराब होने की वजह से वो बकायदा ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। बड़ी घटना ये नहीं थी कि वो कुरुक्षेत्र ट्रेन से पहुंचे हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो अक्सर ट्रेन की सवारी करते हैं, लेकिन बड़ी खबर ये थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्रेन से ही बीजेपी के एक ऐसे नेता को फोन किया जो कहने को तो बीजेपी में था, लेकिन मुख्यमंत्री से उसके तार ठीक नहीं बैठ पा रहे थे। वजह क्या थी वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप ये जानिए कि बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा को फोन कर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रेन से ही जय भगवान शर्मा को फोन लगाया और कहा कि पंडित जी आपके यहाँ नाश्ता करने आ रहा हूँ। अचानक मुख्यमंत्री के घर आने की समाचार पाकर जय भगवान शर्मा भी दंग रह गए। जल्द ही मुख्यमंत्री के आओ भगत करने का इंतजाम किया और घर के गेट पर गुलदस्ता लेकर खड़े हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने पर पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और नाश्ता कराया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए कई ब्राह्मण संगठन भी मौजूद रहे। कहने को तो कहा जा सकता है कि एक बीजेपी नेता के यहाँ मुख्यमंत्री का नाश्ता करना कौन सी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री तो पार्टी वर्करों के यहाँ जाते ही हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की राजनीति में ये घटना जितनी सामान्य दिखती है उतनी है नहीं। आपको ये बताने से पहले ही कुरुक्षेत्र की राजनीति में ये घटना कैसे कई समीकरणों को धाराशाही करती है ये बताते हैं कि जिस जय भगवान शर्मा के मुख्यमंत्री की खूब नजदीकियां थी उनसे बिगड़ी कैसे। बात 2014 विधानसभा की है। जय भगवान शर्मा को आश्वासन दिया गया था कि कुरुक्षेत्र के थानेसर से पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, लेकिन हुआ कुछ और। कांग्रेस से अचानक सुभाष सुधा ने त्याग पत्र देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और पार्टी ने उन्हें थानेसर विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया, जिससे जय भगवान की सालों की मेहनत बेकार हो गई। हालांकि पार्टी ने उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें पेहवा विधानसभा का उम्मीदवार बनाया, जहां उनकी करीबी मुकाबले में हार हो गई। जय भगवान शर्मा इस हार को पचा नहीं पाए और उन्होंने बीजेपी छोड़ जेजेपी ज्वाइन किया और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां उनकी बड़ी हार हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बीजेपी दोबारा ज्वाइन की, लेकिन उन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के गुट का आदमी कहा जाता था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक फोन कॉल ने कैसे कुरुक्षेत्र के समीकरण को बदल दिए हैं। दरअसल जय भगवान शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। थानेसर विधानसभा ब्राह्मणों की नेचुरल विधानसभा मानी जाती है, लेकिन कई सालों से इस विधानसभा पर पंजाबी समुदाय का कब्जा है। लंबे समय से पहले अशोक अरोड़ा फिर सुभाष सुधा ने थानेसर विधानसभा पर कब्जा जमा रखा है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी विधायक सुभाष सुधा की स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। पार्टी को भी इस विधानसभा में नए उम्मीदवार की दरकार है। ऐसे में जय भगवान शर्मा एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बीजेपी भी कुरुक्षेत्र के नाराज चल रहे ब्राह्मणों को साधने का मौका गवाना नहीं चाहेगी। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र के बिगड़े समीकरण को सुधारने की पहल मुख्यमंत्री ने कर दी है। मुख्यमंत्री खुद पंजाबी समुदाय से आते हैं, उनसे बड़ा पंजाबी समुदाय का नेता प्रदेश में नहीं है। ऐसे में थानेसर विधानसभा में पंजाबी समुदाय से आने वाले सुभाष सुधा का टिकट काटकर ब्राह्मण समुदाय को दिया जाता है तो थानेसर विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जय भगवान शर्मा के यहाँ सुबह का नाश्ता करना कई नई कहानियों को जन्म दे सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।